नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में बिहार की टीम 16 रनों से हार गई। 27 जनवरी को अहमदाबाद के मोटेरा में सीरीज का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच राजस्थान और बिहार के बीच खेला गया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महिपाल लोमरोर नाबाद 78 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 164 रन बनाए। इसके जवाब में बिहार की टीम महज 16 रनों से पीछे रह गई। बिहार की तरफ से मंगल महरोर ने 58 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 68 रनों की पारी खेली। वहीं विकास यादव ने अंतिम क्षणों में 17 गेंद पर नाबाद 27 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। इस मुकाबले के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की टीम लड़कर हारी है। बिहार की टीम की तरफ से कप्तान आशुतोष अमन ने भी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान की टीम में खलील अहमद और रवि बिश्नोई जैसे अंडर 19 टीम और IPL खेल चुके खिलाड़ी थे और अपने बिहार के ईशान किशन, अनुकूल रॉय और शहबाज नदीम झारखंड के लिए खेलते हैं। खैर, कोई बात नहीं, लंबी यात्रा है। इस हार के बाद बिहार टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, मगर हमारे दिल से कभी बाहर नहीं हो सकते। गौरतलब है कि बिहार की टीम पूरे टूर्नामेंट में अपने एक भी लीग मैच को नहीं हारी थी। आपको बता दें, टूर्नामेंट में अभी तक का बिहार का सफर, बिहार की टीम ने जीत से आगाज करते हुए अपने पहले मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश की टीम को 18 रनों से हरा दिया था। जीत के हीरो बिहार के गेंदबाज रहे। कप्तान आशुतोष अमन ने अपने 4 ओवर में महज 17 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं सचिन कुमार सिंह ने भी 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अपने दूसरे मुकाबले में बिहार ने सिक्किम की टीम को 8 विकेट से पराजित किया था। जीत के लिए मिले महज 111 रनों के लक्ष्य को बिहार ने आसानी से हासिल कर लिया। इस मुकाबले में बिहार की तरफ से मंगल महरूर ने 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। तीसरे मुकाबले में बिहार की टीम ने मेघालय को 6 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। बिहार के गेंदबाजों द्वारा फिर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और मेघालय की टीम 20 ओवर में महज 82 रन ही बना सकी, जिसे बिहार के बल्लेबाजों ने आसानी से हासिल कर लिया। चौथे मुकाबले में बिहार ने मणिपुर की टीम को 9 विकेट से रौंदकर अपने विजय अभियान को जारी रखा। बिहार की तरफ से सलामी बल्लेबाज शशिम राठौर ने 44 गेंदों पर 60 रन बनाए, जबकि बाबुल ने 39 गेंदों पर 31 रन की सधी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब अपने 5वें और अंतिम लीग मैच में बिहार की टीम ने मिजोरम को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर बिहार के कप्तान ने मिजोरम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और अपनी उम्दा गेंदबाजी से मिजोरम को 83 रनों पर ही रोक दिया। बिहार की तरफ से कप्तान और बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज आशुतोष अमन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 विकेट झटके। जीत के लिए मिले 84 रनों के लक्ष्य को बिहार की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही अपने 5 मुकाबले जीतकर 20 अंकों के साथ बिहार ग्रुप में टॉप पर रहा और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बिहार को भले ही हार का सामना करना पड़ा, मगर बिहार ने अपने खेल से सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक का बिहार का ये सबसे बढ़िया प्रदर्शन था और उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें इनसे और बेहतरीन खेल देखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।